आप कौन है? कौन है तू? राजकुमारी के साथ क्या किया तूने? ये राजकुमारी? बता तू कौन है रे? जब राजकुमारी पर चीते ने हमला किया तब इमली तोड़ने गया था क्या? अरे वो दलपति है। काले चीते से मुझे बचाना है। मैं वेताल जिले का दलपति जल तरंग हूं। बाघों का शिकार करना ही मेरा काम है। तुम लोग? हम उत्तरी हिमालय में जो कांगनी देश है ना, वहां से आ रहे हैं। वेताल है, देखिए हमारी आंखें। मैं उस देश का वैद्यराज हूं। वैसे तो मैं बाघ को पकड़कर उससे दवा बनाता हूं। बाघ को मार कर नहीं, जिंदा बाघ के दूध से। जल तरंग को ही बाघ के दूध की दवा? सिर्फ आपके लिए नहीं है, वेताल के लेके सारे समूह के लिए लाया हूं। आगे ये बाघ की दवा कैसे काम करती है बस देखते जाइए। तो फिर मैं ही आज तुम्हें किले में लेकर जाऊंगा। अगर आप हमें नहीं ले जाएंगे तो भी आ ही जाएंगे। पूरी छानबीन कर ली है। बोरी में सिर्फ दवा बनाने की जड़ी बूटियां और बीज हैं। वैद्य को औजार की क्या जरूरत? वहीं रख दो इसे। तुम्हारी शक्ति की दवाई तो उन्होंने ले ली, अब तो हम बिना जहर वाले सांप जैसे हो गए हैं। जब मैदान में उतर ही गए तो जो होगा देखा जाएगा। इतना बड़ा है मगधीरा? तुम हंसते हुए बोलो तो ठीक रहेगा। क्या कह रहे हैं? मौत भी सामने आ जाए तब भी मुंह पे डर नहीं दिखना चाहिए, ऐसा वो कह तो हम ये कुछ भी नहीं करेंगे। इधर कौन है? महारानी या जादूगरनी? ये लोग कहां से आए हैं? रानी तुम्ही से पूछ रही हैं। वो क्या है कि कांगिनी देश से हम तीनों दवाइयां लेके आए हैं। रानी मैं वैद्यराज हूं मगधीरा। यहाँ रक्त प्रभावी बीमारी से हर महीने 3 लोग मर रहे हैं। आप इतने आराम से आ रहे हैं? आते वक्त रास्ते में पेट गड़बड़ हो गया था। चुप रहे। राजकुमारी के साथ आते वक्त बाज पहाड़ पर इनसे मिले थे।
काले चीते से राजकुमारी को बचाने वाला राजकुमार यही है क्या? सुना है हमने। धन्यवाद। अब क्या हुआ? बोलो, इतनी देर से क्यों आए? रानी, हमारे कांगिनी देश में तूफान आया, इसलिए जड़ी बूटियों के पौधे खराब हो गए और हमें देरी हो गई। दवा तैयार करने में आपको कितने दिन लगेंगे? कोई कहानी बना दे भाई। यमन रानी, पहले जड़ी बूटियों को उबाल कर छानना होगा और फिर वापेरी के पत्तों को सुखा कर पीसना होगा। ये सब हम नहीं जानते। दवा हमें कब मिलेगी? वो मैं 3 दिनों में तैयार कर लेंगे। उस दवा से सबकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये साबित कर सकते हो। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? बिल्कुल बीमारी चली जाएगी, ऐसी दवा बनाएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ी देर आराम करके अपना काम शुरू करना। बहुत बहुत धन्यवाद यमन रानी। इस मुसीबत से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा बताओ भाई? हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ज्योतिष का क्या कहना है बेटा? दक्षिण से अच्छी खबर आने वाली है, ऐसा ज्योतिष का कहना है। अच्छी खबर? हमारा सूरा है ये तो भाई। अरे यार, ऊपर तो अल्फा बैठा है। मेरी दवा मिल गई। आखिर हमने दवा ढूंढ निकाली ना। शक्ति की दवा देखते ही मेरी जान में जान आ गई भाई। सूरा, अल्फा। अरे कुकुदी मत करो, शर्म आती है भाई। कोशिश करके शक्ति की दवा को बदल दो। हमारी जो दवा है उसे कहीं और छुपा के उसकी जगह पानी भर के रख देते। मगधीरा, सूरा और अल्फा जब दोनों दवा लाने के लिए गए थे तो उन्हें वहाँ से ही खबर मिली है। क्या खबर है? वाग्य नगर से जो वो लड़की उठा के लाए हैं उसकी वो पूजा में बलि देने वाले हैं। पवल मल्ली कहाँ? उस पहाड़ पे जो है वही कारागार लगता है। इस तरह कांपते चलते हुए मुझे तो पूरा किला ही कारागार लग रहा है। इसमें अलग से भी कारागार होगा क्या? बातों से मत डरो मुझे। की 4 बेटियां हैं क्या? इनमें से सिर्फ एक ही राजकुमारी है, बाकी तो सब दासियां हैं। वाला दानव रुक क्यों गया? कुछ समझ में नहीं आया। आपने इतने बड़े राक्षस को कैसे रोक लिया? अगर आप जैसी सुंदर लड़की बगल में हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी हिम्मत आ जाती है। माँ, दवा नीचे है, उसके ऊपर सिर्फ पानी है, ये बताया था ना मैंने तुम्हें। उसे देखते ही दवा पी लो ये कहता रहा मैं तुमसे, और तू ऊपर वाले में से पानी पी के उस दानव के सामने छाती फाड़ कर खड़ा हो गया। हाँ भाई, मैं भी भूल ही गया था। तो मैंने सिर्फ पानी पिया था क्या? और नहीं तो क्या? तो फिर वो
मेरे हाथ दिखाते ये रुक कैसे गया? ये तो सिर्फ वो एक आंख वाला ही बता सकता है। नमस्ते राजकुमारी जी। नमस्ते महावीर जी। अरे कितनी सुंदर है ये, हमारे इलाके में एक भी ऐसी नहीं है। क्या देख रहे हैं आप? मेरे कपड़े पसंद आए? सच कहूं तो मुझे कपड़े पहने हुए नजर ही नहीं आ रहे। क्या कहा? अब तक जो सह रहे हैं वो काफी नहीं है क्या? आप गलत मत समझिएगा राजकुमारी जी, आपकी सुंदरता ने मेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया था, बस यही कहना था। ठीक है, दावत पे आ जाइएगा, चलती हूँ।